हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम अभी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का आज लास्ट टॉपिक है जो स्पेशली बेस्ड है इलेक्ट्रिकल मशीन पर। टूडेज अवर टॉपिक इज कम्प्लीटली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हमको 5 डिवाइस पढ़ने हैं। फर्स्ट ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मोटर, चोक कॉइल एंड मोटर स्टार्टर। देखिए, अभी COVID-19 के कारण जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टैली करके पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जितने भी डिवाइस होते हैं सब पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इम्पॉर्टेंट मशीन है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? आप सबने नाम तो सुना है ट्रांसफार्मर का। बिना ट्रांसफार्मर के हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना या इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वी कांट इमेजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा रोल है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये जितना पावर हाउस से हमारे हाउस तक, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारे हाउस तक जो करंट हमको मिल पाता है वो ट्रांसफार्मर के हेल्प से ही हो पाता है। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक जो वर्क है वो है हाई पोटेंशियल को लो करना या लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल करना। इस बेस पर इसके टू टाइप्स होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे नाम से क्लियर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता होगा? स्टेप अप मतलब बढ़ाता होगा किसको? लो टू हाई। लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और स्टेप डाउन क्या करता है? हाई टू लो, लो हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस तरह से करते हैं, देखिए। एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, ये सपोज ट्रांसफार्मर के क्रोड हैं और मैं पहले बता रहा हूँ आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये जो कॉयल है ये प्राइमरी कॉयल है। प्राइमरी कॉयल में हम करंट क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। प्राइमरी कॉयल में हम करंट इनपुट करते हैं और नीचे बना रहा हूं मैं सेकेंडरी कॉयल। ये है सेकेंडरी कॉयल, यहां से हमको करंट क्या होता है? आउटपुट होता है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी कॉयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने बार वायर को लपेटा गया है नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम है, और सेकेंडरी में आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज़्यादा है। दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कॉयल कम होते हैं और सेकेंडरी में कॉयल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्या करता है? लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप करता है, मतलब पोटेंशियल को हाई करता है। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर बात करें, तो सपोज इस तरह से इसके क्रोड हैं और यहाँ पर हम प्राइमरी कॉयल शो करें, यहाँ पर ये प्राइमरी कॉयल है जो कि इनपुट होता है, और यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉयल है ये सेकेंडरी कॉयल है जहाँ आउटपुट होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। देखो, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का खासियत क्या होता है कि इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? कम होते हैं। ये स्टेप डाउन करता है मतलब पोटेंशियल को लो करता है, हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में
कन्वर्ट करता है, और इस बेस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही पावर जनरेट करते हैं पावर हाउस में, जो जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, वहां से ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, कहीं पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, और वो फाइनली हमारे घर तक अप्रोच करता है। ये ट्रांसफार्मर का वर्क है। अब हम यहाँ पर इसमें दोनों में डिफरेंस एग्जाम में आता है, आप चार्ट बना कर डिफरेंस प्रिपेयर कर लेंगे, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो मिनिमम 3-4 पॉइंट्स में आपको इसका डिफरेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए, शो करना चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये तो हमने पढ़ा उसका टाइप किस तरह से वर्क करता है, अब हमको पढ़ना है इसका प्रिंसिपल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन ये किस तरह से काम करता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सपोज हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमने सपोज कर लिया, तो सिंस वी नो दैट ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी बाई फैराडेज लॉ, फैराडे के रूल से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सपोज हमारे पास कोई प्राइमरी कॉयल है, तो प्राइमरी कॉयल के लिए हमने सपोज ले लिया ई पी इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी कॉयल, एंड एन पी इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल। एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने बार प्राइमरी कॉयल में वायर को लपेटा गया है, एंड डी फाइव बाई डी टी। हाँ, माइनस साइन यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो तो अपोजिशन फोर्स को शो करता है, लेंज लॉ में आपने पढ़ा है। तो ये हो गया प्राइमरी के लिए प्राइमरी कॉयल, और सपोज सेकेंडरी कॉयल के लिए ये ई एस है, ई एस इक्वल टू हो जाएगा एन एस डी फाइव बाई डी टी। देयरफॉर यदि हम इसमें इसको डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा ई पी अपॉन ई एस, ये डी फाइव कैंसल आउट हो जाएगा, एन पी अपॉन एन एस, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और नंबर ऑफ टर्न्स में। अब देखो सपोज ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस जीरो हो रहा है, इफ एनर्जी लॉस थ्रू ट्रांसफार्मर इज जीरो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल का जो पावर होगा वो सेकेंडरी कॉइल के पावर के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब हमारा ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू करेंट। दैट मीन्स द पावर ऑफ प्राइमरी इज वी पी इंटू आई पी, एंड द पावर ऑफ सेकेंडरी इज वी एस इंटू आई एस। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम यदि इसको चेंज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, फार्मूला को चेंज अपन देखो। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोज सर्किट में दोनों इक्वल होते हैं, ओपन सर्किट में दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इसी फॉर्म में चेंज कर दिया, सपोज ये एन पी, क्लियर, इस फार्मूला से, और ये एन एस, क्योंकि इसके साथ सिमिलर बनाना है अपनों को, इस ई से भी चलेगा एन पी अपॉन एन एस, या फिर उसको ई चेंज कर दें। तो यहाँ से जैसे हम, अरे सॉरी सिंबल वी पी वी एस पोटेंशियल ना, वी पी वी एस, इसके रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर जैसे हमने वी एस वी पी अपॉन वी एस फाइंड किया, यहाँ से भी वी पी अपॉन वी एस फाइंड करते हैं, तो दैट इम्प्लाइज वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड आर सेम ऑफ रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड दैट वी पी अपॉन वी एस इक्वल एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी,
एंड दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाई आर, एंड आर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो यहाँ पर जो रिलेशन मिला, इस रिलेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. देखो ये रिलेशन क्या बताता है कि VP और NP दोनों न्यूमरेटर में हैं, तो इसके साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. जैसे अभी मैंने आपको फिगर में बताया कि सपोज हम प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखेंगे और सेकेंडरी में कम रखेंगे, तो यहाँ पर प्राइमरी में पोटेंशियल भी कम होगा और सेकेंडरी में पोटेंशियल ज़्यादा होगा. इसीलिए हमने कहा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो पोटेंशियल को हाई में चेंज करता है, क्योंकि पोटेंशियल का उसके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन का मतलब कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ही बढ़ेगा. इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स को कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर देते हैं तो स्टेप अप बन जाता है. लेकिन देखो ये करंट के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगता है. दोनों के पी न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पर करंट का पी क्या है, डिनोमिनेटर में है. तो क्या शो करता है, इफ पोटेंशियल इज इंक्रीजेस देन करंट विल बी डिक्रीजेस इन द सेम रेशियो, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफार्मेशन रेशियो. ये ट्रांसफार्मर का यही प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट. ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि पोटेंशियल को डिक्रीज करके करंट को इंक्रीज करता है, या पोटेंशियल को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज करता है. दिस इज ट्रांसफार्मेशन रेशियो. ट्रांसफार्मेशन हो रहा है यहाँ पर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, करंट का पोटेंशियल के साथ. क्लियर. देन दिस अमाउंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड विच इज नोन एज ट्रांसफार्मेशन रेशियो एंड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप ध्यान रखना कि जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वह लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल बट लो करेंट में चेंज करता है. तो ये रिलेशन को आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल, देखो कई बार बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया एग्जाम में कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स ट्रांसफार्मर इज जनरेटर. नो, ट्रांसफार्मर इज नॉट जनरेटर. वो करंट जनरेट नहीं कर रहा है, वो तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस शर्त पर, करंट को डिक्रीज करके. मतलब एक्चुअल में ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट और पोटेंशियल के रेशियो को क्या करता है, चेंज करता है. ऐसे में हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो पोटेंशियल को हाई में करता है. दैट मीन्स क्या, वो करंट जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट नहीं कर रहा है, वो केवल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है. कैसे कर रहा है, करंट को डिक्रीज करके कर रहा है. यही इसका प्रिंसिपल है. अब हम देखते हैं एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में एनर्जी लॉस पूछा जाता है. एनर्जी लॉसेस कि इसमें क्या क्या एनर्जी लॉस होता है, तो फर्स्ट इज कॉपर लॉस. देखो इसको एक बार हम और पढ़ चुके हैं, कहां पर, ईडी करंट वगैरह में. कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर से इसकी वाइंडिंग की जाती है, तो कॉपर के वायर पे यदि हम थिन यूज करें तो वहां पर उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है, हीट हो जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर, या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सेकंड इज आयरन लॉस. आयरन लॉस मतलब क्या होता है, देखो इसका क्रोड को क्या है, अपन आयरन का बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं, जिसके कारण भी यहां पर लॉस होता है. और यहाँ पर ईडी करंट डेवलप हो जाता है, ये ईडी करंट के डेवलप होने के कारण आयरन लॉस होता है. इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो क्रोड होते हैं उसको लेमिनेटेड. यहाँ पर इसको मिनिमाइज करने के लिए कॉपर के वायर को मोटा यूज करते हैं. इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड. लेमिनेटेड मीन्स एक के ऊपर एक परत लगा के हम उसको बनाते हैं. और थर्ड इसका लॉस है हाइस्टेसिस लॉसेस. हाइस्टेसिस लॉसेस, ये हाइस्टेसिस लॉसेस क्या होता है, ये होता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के कारण. देखो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर करंट सप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि यदि हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है.
तो एसी करंट सप्लाई करने के कारण क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होते जाते हैं। तो एक बार वो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से पोल चेंज होते जाते हैं वहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता है, इसके कारण क्या होता है ये लॉस करता है, इसको हाइस्टेरेसिस लॉस बोला जाता है। तो ये है ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस और उनको मिनिमाइज करने का तरीका, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डिवाइस हुआ ट्रांसफार्मर, और नेक्स्ट डिवाइस अपन पढ़ते हैं डायनेमो। डायनेमो मीन्स जनरेटर। आप लोगों ने 10th क्लास में एक बार इंट्रोडक्शन फॉर्म में ये सब पढ़ा भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा 10th क्लास में इंट्रोडक्शन फॉर्म में ये रहता है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमो। And its commercial name is generator. हम लोग इसको ज़्यादातर generator के नाम से जानते हैं। generator बोलने से हर कोई समझ गया होगा, dynamo बोलने से अजीब लगता है, क्या dynamo है। generator आपको सबको पता है, generator का means जिससे हम electricity generate करते हैं, generator है naturally। तो generator का definition क्या है, generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy। देखो mechanical energy को electrical energy में change करने वाला जो device है, mechanical energy को electrical energy में change करने वाले device को हम क्या कहते हैं, dynamo कहते हैं। That means हम इस डिवाइस को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मतलब घुमाते हैं किसी भी प्रोसेस से। घुमाने का हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे हम उसको हाथ से पकड़ के घुमाएं, चाहे हाइड्रो पावर से, वाटर के प्रेशर से अपन उसको टरबाइन को घुमाएं, या विंड से घुमाएं, या स्टीम से घुमाएं, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम टर्बाइन के आर्मेचर को घुमाते हैं तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम देते हैं वह इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा डायनेमो का, डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज फैराडेज लॉ। दैट मीन्स व्हेनेवर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएटेड बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन नंबर ऑफ फ्लक्स विल बी चेंज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। ये फैराडे लॉ के बेस पर ही ये डिवाइस काम करता है, क्लियर। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज एसी जनरेटर एंड सेकंड इज डीसी जनरेटर। नाम से क्लियर है, जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है वो एसी जनरेटर है, और जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है वो डीसी जनरेटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसी जनरेटर और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि इस किस तरह से काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए तो एक फिगर के हेल्प से इसको अपन समझेंगे, फिगर थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें होता क्या है, इसके लिए मेरे को सफिशियंट स्पेस चाहिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इसमें टू फिगर का ज़रूरत होता है, लेकिन हम एक फिगर में ही आपको समझा रहे हैं, आप लोग दो फिगर बनाओगे क्योंकि हमको समझाने के लिए उसी में करेक्शन करें पाओगे। ये मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हैं, जो हार्सू मैग्नेट के हैं, जो पीछे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये टू मैग्नेट के सेपरेट पोल नहीं है, आप लोग को कई बार मैं बात समझा चुका कि एक्चुअल में हार्सू मैग्नेट है, ये इस तरह का सिचुएशन है, कॉनकेव कटिंग किया गया है और पीछे से क्या है वो ज्वाइंट है थ्री डायमेंशन में। इसके बाद यहाँ पर देखो इसके सेंटर में सेकंड पार्ट है आर्मेचर,
ये आर्मेचर होता है जिसके साफ्ट आयरन के क्रोट पर, इसको साफ्ट आयरन पर क्या है, हम इसको बाइंडिंग करके बनाते हैं इस तरह से, कॉपर के वायर को इसमें बाइंडिंग किया गया है, ये है आर्मेचर। क्लियर। आर्मेचर के ऊपर एक टरबाइन होगा, पुली होगा, ये टरबाइन सपोज कर लो, इसी टरबाइन को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं। अब नीचे की सिचुएशन को ध्यान से समझना, यहाँ से जो एक केबल आया हुआ है ये, इसमें इस तरह से एक रिंग होता है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग S1, ये स्लिप रिंग है S1, और एक रिंग है इसके साथ में वायर अटैच है, और दूसरा जो वायर है वो उसके अंदर अंदर से बाहर निकला हुआ है। ये वायर को देखने से ऐसा लगता है कि ये भी क्या है, पहले रिंग को टच किया हुआ है, लेकिन ये पहले रिंग को टच नहीं किया है, उसके अंदर से निकला हुआ है। इसका सिचुएशन इस तरह से है, ये मैं फिंगर में बना रहा हूँ अपने, उसको ध्यान समझना। ये मैं अपने फिंगर का रिंग बनाया, और ये रेड पेन ये S1 के साथ अटैच है, और दूसरा जो आप वायर देख रहे हो वो रिंग के अंदर से ये बाहर ऐसे आया हुआ है, मतलब इसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, फ्री है, टच नहीं है। तो सेकंड नंबर का जो रिंग है वो सेकंड नंबर का S2 रिंग के साथ में ये कनेक्ट होता है, सेकंड नंबर के रिंग के साथ में कनेक्ट है, ये है S2। तो S1 S2 दो रिंग है, इसके साथ में ये अटैच है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक ब्रूस है, कार्बन का बना हुआ कार्बन ब्रूस है B1, इसके साथ में यह रिंग क्या है, टच है, ओनली उसको टच किया हुआ है, उसके साथ ज्वाइंट नहीं है, टच करना आप समझ रहे होंगे। और यहां पर एक ब्रूस है B2, ये इसके साथ में टच है। अब हम यहां से ये वायरिंग लेते हैं कनेक्शन, और यहां से, और यहां पर हम एक रजिस्टर लोड, दैट मीन्स ये आउटपुट करंट, यहां पर अपन आउटपुट लेने के लिए डिवाइस लगाते हैं, लोड इज रजिस्टर। इस प्रकार से हमारा ये डिवाइस होता है। अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान से समझना, ये आर्मेचर है ABCD। अब जैसे ही हम इस टरबाइन की हेल्प से इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेट के पोल को कॉनकेव कटिंग क्यों करते हैं, ये सब पहले के वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इसको कॉनकेव कटिंग इसलिए करते हैं ताकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या है, वो परपेंडिकुलर हो ऑन द सरफेस, क्योंकि कॉनकेव कटिंग होगा तो उसके डायरेक्शन रेडियल हो जाएंगे, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इन दैट कंडीशन द मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर जैसे हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब जैसे हम टर्बाइन को घुमाते हैं, तो टर्बाइन को घुमाने से यहाँ पर करेंट डेवलप हो जाता है, क्यों, क्योंकि फैराडे ने बताया था कि मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, डेवलप होगा। तो ये जो करंट है वो करंट यहाँ पर फ्लो होते होते यहाँ पर फ्लो होता है, और ये S1 में फ्लो होने लगता है, ये करंट S1 में फ्लो होने लगता है, और ये ब्रूस B1 उसको रिसीव करता है, और यहाँ पर हमको ये आउटपुट करंट मिलता है इस तरह से। ये हमको आउटपुट करंट मिला किस साइड से, इस साइड से आउटपुट करंट मिला अपने को। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसका हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में इस तरह का पोजीशन बनता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड नंबर का फिगर मैं बनाना था उसको मैं इसी में करेक्शन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, आर्मेचर जब एक राउंड घूम जाएगा तो ए वाला पोजिशन यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, बी, वैसे यहाँ पर डी, और ये क्या हो जाएगा, सी, और अंदर का सिचुएशन क्या हो जाएगा, देखो ये जो रिंग है ये दोनों के, ये सेकंड नंबर फिगर है जिसको आपको बगल में अलग से बनाना है, ये वाला रिंग इधर आ गया और ये रिंग घूम के इधर आ गया, इसलिए मैंने इसी फिगर में आपको समझाया। अब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, देखिए एक हाफ राउंड हमारा आर्मेचर क्या हो गया, टर्न हो गया। इसके बाद इसमें क्या होना है, देखिए अब जब इसमें करंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब ये करंट आप जो देख रहे हैं, जो रेड इंक से मैंने एरो बनाया है, ये करंट अब यहाँ से फ्लो होके इसमें फ्लो होगा S2 में, और करंट इधर से रिसीव होगा इस डायरेक्शन से, तो हमको
अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा और हमको मिल जाएगा एसी करंट। इस तरह से करंट का जो प्रोडक्शन है एक्चुअल में फैराडे के लॉ से होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिसीविंग इसकी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वन बाई वन, एक बार बाई द हेल्प ऑफ एस वन एंड अगेन बाई द हेल्प ऑफ एस टू, देन अल्टरनेट इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज, इन फर्स्ट हाफ इट विल बी पॉजिटिव एंड इन सेकंड हाफ इट विल बी निगेटिव, देन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द करेंट इज अल्टरनेट करेंट बिकॉज इट्स नेचर इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, पॉजिटिव निगेटिव एंड सो ऑन, देन द करेंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करेंट। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करेंट हो जाता है और ये अल्टरनेटिंग करेंट का जनरेटर है या डायनेमो है, क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट में हम इसका पढ़ेंगे डीसी डायनेमो। तो डीसी डायनेमो में क्या होता है, सिर्फ करंट को रिसीव करने का टेक्निक बस अलग है, बाकी पूरा 95% मैकेनिज्म क्या है सेम है। तो इसी फिगर में मैं आपको चेंज करके समझा रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड डीसी डायनेमो। तो डीसी डायनेमो में कितना चेंजेस होता है आप देखो, ये रिंग का जो सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा वैसी रहेगा। और रिंग का सिचुएशन कैसे चेंज होगा देखिए, ये हमने लिया दोनों वायर को और यहाँ पर जो स्लिप रिंग लगाया वो S1 S2 हाफ स्लिप रिंग लगाया, ये है हाफ स्लिप रिंग और ये हाफ पार्ट में कटिंग कर दिया, ऐसा जैसे मैंने हथेली को बना रहा हूँ दो पार्ट में, एक हो गया ये S1 ये S2 और इसके बाद इसमें कार्बन ब्रूस ये B1 कहीं भी B1 कहीं भी B2 लिख सकते हो और ये कार्बन ब्रूस B2। अब इसका हमने इस तरह से कनेक्शन ले लिया, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट पॉइंट R। अब ये काम कैसे करेगा देखो, सपोज अभी ये ABCD कंडीशन में है, इस तरह से ABCD नेचुरली आप देख रहे हो, ये करंट डेवलप होगा मोशन कराने से, ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट ब्रूस B1 रिसीव करेगा और हमको करंट मिलेगा ये, क्लियर। ये हो गया इसका फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में किस तरह से बिहेव करेगा, ये A यहाँ चलाएगा और B यहाँ चलाएगा, यहाँ पर D यहाँ पर C, और देखो करंट वहीं से रिसीव होगा दोबारा, मतलब इसका स्लिप रिंग के ये अब हो जाएगा S2, इसके पोजीशन चेंज होने के बाद भी करंट इस डायरेक्शन से ही शो होगा रिसीव होगा, दैट मीन्स इस डिवाइस में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगेन एंड अगेन उसी डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए क्या हो गया है डीसी करंट। इसीलिए मैंने आपको कंपेरेटिवली बताया कि आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में हम दो बार उसको अल्टरनेट रिसीव कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट करंट में हम क्या है उसको हर बार डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं। दैट मीन्स करेंट, यहाँ पर करेंट तो करेंट है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, लेकिन ACDC उसको हम लोग बनाते हैं उसके रिसीविंग सिस्टम को चेंज करके। यदि हम उसको अल्टरनेट रिसीव करते हैं तो वही करेंट AC करेंट बन जाता है, और यदि उसको हम कंटिन्यूअस रिसीव करते हैं सेम डायरेक्शन में तब वो क्या बन जाता है DC। दैट मीन्स यहाँ पर करेंट का जो नेचर है वो रिसीविंग के पहले सेम रहता है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। भाई एक कॉमन सोचने की बात है कि करंट जब फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, जब हम करंट का डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो I=dQ/dt द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, बट फाइव दे आर टू टाइप्स AC एंड DC। तो AC और DC हम उसको कैसे दो प्रकार से बना देते हैं, रिसीविंग सिस्टम। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करंट के बिहेवियर को AC और DC उसको रिसीविंग करने के तरीके के बेस पर बनाया जाता है। यदि उसको अल्टरनेट रिसीव करते हैं पॉजिटिव निगेटिव तो AC करंट बनता है, और लगातार करते हैं तो DC। इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में जो AC और DC के प्रति जो कन्फ्यूज़न रहता है वो लगभग 100% क्लियर हो जाता है डिवाइस। क्योंकि देखो फिजिक्स का नेचर है कि जब तक आप किसी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कन्फ्यूज़न 100% दूर नहीं होता, वो दिमाग में बना होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं इसका, देखो ये हमने कंप्लीट किया डायनेमो सेकंड नंबर डिवाइस। नाउ आवर थर्ड डिवाइस इज मोटर।
जब हम करंट डेवलप कर लिए, करंट प्रोड्यूस कर लिए, तो हमको उसको यूज भी तो करना है ना। तो यूज करने के लिए क्या बनाया, मोटर बनाया। क्लियर। मोटर, व्हाट इज मोटर? मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है वो क्या कहलाता है, मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम उसको करंट देंगे और वो कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब वो हमको क्या देगा, वर्क। लाइक फैन, कूलर का फैन, या जो हमने फैन रूम में लगा के रखा हुआ है, ये सब, या जो भी आप घूमने वाला चीज़ देख रहे हैं जिसको हम करंट देते हैं और वो रोटेट होता है, मूव होता है, या कोई वर्क करता है, वो सब क्या कहलाएंगे, मोटर कहलाएंगे। तो मोटर का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, टाइप्स इसके भी, इसका जो पहले प्रिंसिपल बता दें, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज टॉर्क ऑन ए लूप। ये आपने पढ़ा है पहले, टॉर्क ऑन ए लूप, ये सब टॉपिक आपका पीछे पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज करिए यदि भूल गए होंगे। टॉर्क ऑन ए लूप मतलब इस टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था कि यदि कोई मैग्नेट के बीच में कोई लूप, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए और उस पर करंट सप्लाई किया जाए तो दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, एक मैग्नेट का और दूसरा लूप का, और वहाँ पर टॉर्क डेवलप होता है और जो टॉर्क है, फोर्स ऑफ कपल, वो क्या करता है, उसको रोटेट कराता है। तो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। और इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो एसी करंट से चलता है वो एसी मोटर है और जो डीसी करंट से चलता है वो डीसी मोटर है। अभी मैं फिगर को रब कर दिया, अदरवाइज उसी में समझा सकता था उसको, चलिए एक बार फिर बनाते हैं। यहाँ हमको सिर्फ डीसी पढ़ना है या एसी, दोनों का काम करने का सिस्टम सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर बनाया था वही सेम फिगर, हर चीज वही है, नॉमिनल चेंज है। यहाँ पर देखो, सब चीज सेम रहेगा, पूरी कॉपी। ये ब्रूस B1, ब्रूस B2, रिंग S1, रिंग S2, आर्मेचर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बस यहाँ चेंजेस आना है। अभी हमने यहाँ पर क्या लगाया था, रजिस्टर, करंट को यूज़ करने के लिए हमने वहाँ पर लोड लगाया था, और अब यहाँ पर आपको लगाना है एक बैटरी, और कुछ नहीं करना है। देखो इतना चेंज है ओनली पहले वाले फिगर इसमें। अब ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पर एक पुली होगा जो घूमेगा, कोई भी बेल्ट लगा कर रखें उसे घूमेगा। जैसे हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ से हम करंट सप्लाई करेंगे इस पर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इस मैग्नेट ने बना के रखा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में या लूप में हम करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा। अब टॉर्क के टॉपिक को देखिए, पीछे ध्यान होगा आपको, ये टॉर्क, और जैसे ये टॉर्क डेवलप होगा तो टॉर्क डेवलप होने से ये जो आर्मेचर है वो क्या करेगा, अपने एक्सिस पर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। ये कहलाता है मोटर। मतलब मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, वो रोटेट होने लगता है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर कहलाता है। तो जस्ट अपोजिट डिवाइस है डायनेमो का। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं और उसको हमको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है। इसके वर्किंग मैकेनिज्म को आपको इस फिगर के बेस पर लिख लेना है, या मेरे नोट्स में PDF में मैंने प्रोवाइड करा है, वहाँ सब नोट्स में आपको मिलेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज चोक कॉइल।
देखो चोक कॉइल बहुत छोटा सा डिवाइस है दो लाइन का। चोक कॉइल आप कहाँ यूज़ करते हो? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट जब हम इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट को जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चोक वाले ट्यूबलाइट या फिर एलईडी वाले ट्यूबलाइट हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो पहले ट्यूबलाइट आते थे अभी भी घर में होते हैं, आपने स्विच ऑन करने के बाद तो ब्लिंकिंग करता है, पहले जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा फिर थोड़ी देर बाद जलता है। ये एक्चुअल में जो है वो ब्लास्ट चोक होता है उसमें। तो वो क्या होता है, देखो चोक कॉइल इसका जो प्रिंसिपल है, इसको समझने के पहले हमको इसका प्रिंसिपल समझना है, वो है वाटलेस करंट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकते हैं, वाटलेस करंट। तो सबसे पहले अपने समझना है कि व्हाट इज वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट, वी नो दैट द एवरेज पावर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। हमको मालूम है कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज पावर का फार्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज पावर फैक्टर। इफ पावर फैक्टर इज पाई बाई टू, सपोज हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है या हमने ऐसा सर्किट या डिवाइस बना के रखा है जिसमें इंडक्शन कॉइल और कैपेसिटर 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, दैट मीन्स देयर फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू, देन दैट कंडीशन द एवरेज पावर विल बी जीरो। वाई? वी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई टू, एंड कॉस पाई बाई टू इज जीरो, देयर फोर इट्स फेली विल बी जीरो। तो ऐसा सर्किट या ऐसा करेंट जिसमें एवरेज पावर लॉस क्या हो, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं वाटलेस करेंट। और इसी वाटलेस करेंट के बेस पर एक डिवाइस बनाया गया, इस तरह से अपन सॉफ्ट आयरन का एक क्रोड ले लेते हैं, या तो रेक्टेंगुलर शेप में या तो फिर सिलेंड्रिकल शेप में, और इसमें जब हम कॉपर के वायर की बाइंडिंग करके इसको अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ में लगाते हैं तो ये चोक कॉइल कहलाता है। और यही चोक कॉइल है जो पावर लॉस किए बिना, विदाउट पावर लॉस, ये क्या करता है, हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसके कारण ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट का सिस्टम क्या है कि ट्यूबलाइट के दोनों एंड में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में स्पार्किंग आर्किंग के थ्रू क्या होता है, वो इग्नाइट होता है। तो उसके लिए क्या करता है, करंट सप्लाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल इज वाटलेस करंट, दैट मीन्स इट्स एवरेज पावर कंजप्शन इज जीरो, एवरेज पावर लॉस इज जीरो। ये कहलाता है चोक कॉइल, है छोटा सा डिवाइस है, 2 मार्क्स का, कभी 60 मार्क्स आ सकता है। और लास्ट डिवाइस हम देखते हैं वो है मोटर स्टार्टर। जनरली आजकल ये सिलेबस में नहीं होता लेकिन डिवाइस में काउंट है, मैं इसको आपको पढ़ा दूं, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है ये, आपको इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ा है तो कम से कम उसका डिवाइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये है मोटर स्टार्टर। आपने देखा होगा कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस तरह से हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसमें वोल्ट मीटर अमीटर ऐसा लगा होता है, और रेड कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, इस तरह का स्विच होता है। ये आपने देखा होगा मोटर स्टार्टर। और हमको जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो जाके ग्रीन कलर के स्विच को पुश करते हैं, मोटर स्टार्ट हो जाता है, रेड कलर को पुश करते हैं तो मोटर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर एक सोचने का बात है कि मोटर स्टार्टर बनाया क्यों गया, भाई इतना बड़ा स्टार्टर बनाने का क्या ज़रूरत है, यदि हम चाहते तो वहाँ पर ऑन ऑफ स्विच लगा देते, हाई एम्पियर का लगा देते, जाते स्विच ऑन करते मोटर स्टार्ट हो जाता, स्विच ऑफ करते मोटर बंद हो जाता। तो ये डिवाइस बनाने का क्या ज़रूरत था, ये सबसे पहले समझना है कि एक्चुअल में हमको मोटर स्टार्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इसका रीज़न क्या है कि देखो मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सपोज़ हाई पावर का हमारे पास मोटर है, 5 HP, 10 HP, 20 HP का हॉर्स पावर का मोटर है, हम गए सीधा स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन करने से क्या होगा, करंट मोटर में सप्लाई होगा और वो मोटर पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इमीडिएट, थोड़ा ध्यान सुनना मेरे शब्दों को, इमीडिएट क्या करना चाहेगा, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना चाहेगा, जो कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इनर्जिया के कारण जो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है। तो मोटर जब अचानक इलेक्ट्रिसिटी पाने के बाद उसको पूरा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, जल जाएगा।
तो इस तरह से उसको डैमेज होने से बचाने के लिए मोटर स्टार्टर बनाते हैं। इसका वर्किंग स्टेप्स को आप एक बार समझ लो प्रिंसिपल को। ये सपोज ये कुछ रजिस्टर हैं और ये रजिस्टर को हमने इधर ला के इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इसमें कॉपर का वायर लपेटा गया है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो मैग्नेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल का एक राड है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से करंट सप्लाई करने का सिस्टम है, ये रजिस्टर है R1, R2, R3 एंड R4, इस तरह से ये डिवाइस है। और यहाँ से फिर ये करंट पास होके ये जाएगा मोटर पर, ये छोटा सा सर्किट है ऐसा। अब ये काम कैसे करेगा ध्यान से समझना। हम जाते हैं और जाके ग्रीन स्विच को पुश करते हैं, जैसे उसको पुश करेंगे तो ये हमारे फोर्स के कारण, ये स्प्रिंग फोर्स के कारण ये जो पॉइंट है जाके इसको टच कर देता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये करंट फ्लो होने लगता है, करंट सब में फ्लो होने लगता है और एक करंट यहाँ पहुँच जाता है मोटर में और मोटर को थोड़ा सा करंट मिलता है, मोटर मूव होना स्टार्ट होता है। और वो R1, R2, R3, R4 इतने रजिस्टर से होके जा रहा है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा, दैट मीन्स हाई रेजिस्टेंस में है, अभी करंट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे देखो ये मैग्नेट बन गया, मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट है और मैग्नेटिक मटेरियल का राड है, तो जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है फिर क्या करता है, ये पॉइंट को अपनी ओर खींचता है, तो ये जो राड है जाके फिर R1 को पार करके यहाँ पहुँच जाता है, इतना रजिस्टेंस कम हो जाता है तो करेंट बढ़ जाता है, मोटर तेजी से घूमने लगता है, फिर जाके इसको टच करेगा लास्ट में जाके इसे चिपक जाता है और मोटर तेजी से घूमने लगता है, जस्ट लाइक ए रेगुलेटर ऑफ द फैन। रेगुलेटर में जो रेगुलेटर लगा होता है वो ऐसे डिवाइस है, रेगुलेटर में जब हम वन में चलाते हैं फैन को तो फैन धीरे धीरे घूमता है क्योंकि बहुत से रजिस्टेंस से होकर करेंट पास होता है। कभी आप रेगुलेटर को खोल के देख सकते हो जब खराब रेगुलेटर हो आपके पास। फिर दो में चलाते हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, फिर तीन में चलाते हैं रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, फोर में फाइव में जब अपन कर देते हैं रेगुलेटर को तो रेजिस्टेंस उसी रेशियो में डिक्रीज होता है, तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है और जिसके कारण फिर पंखा तेजी से घूमने लगता है। और ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एक पूरा करंट दे देते हैं तो ये मोटर घूम नहीं पाता और जल जाता, इसमें क्या है वो धीरे धीरे। या एक और आपको एग्जांपल दूं तो ये गाड़ी के हमारे बाइक के गियर लगाने जैसा है, गाड़ी अभी खड़ी है, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं सीधा टॉप गियर नहीं लगाते हैं, आपको मालूम सीधा टॉप गियर लगाया तो गाड़ी जंप कर जाती है, बूझ जाती है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट गियर लगाते हैं सेकंड गियर, क्योंकि रेस्ट पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए इमीडिएट वो मोशन में नहीं आ सकता, इसीलिए कभी भी हम गियर कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। एग्जैक्ट आप इस एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी मोटर को यदि हम सीधा करंट दे दें तो एकाएक वो चल नहीं पाएगा, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तभी आपने कोई बड़ा मोटर का साउंड सुना होगा कि मोटर के स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 तेजी से घूमता है। या कभी आप कभी फ्लोर मिल में गए होंगे गेहूं पिसाने के लिए या फिर और कुछ के लिए, तो देखा होगा कि जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पट्टा धीरे घूमेगा, फिर तेजी से बहुत तेजी से घूम, ये कौन कर रहा है ये वर्क, ये मोटर स्टार्टर कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो खैर सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से, COVID-19 के कारण जो न्यू सिलेबस थे सब हट गया है, आप लोग टेली करके पढ़ लेंगे। लेकिन चूंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट इतना डिटेल में पढ़ा तो एक बार आपको सभी डिवाइस के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 डिवाइस पढ़ाया, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर से हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर, सेकंड इज डायनेमो, थर्ड इज मोटर, फोर्थ इज चोक कॉइल एंड फिफ्थ इज मोटर स्टार्टर। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक दो बार और देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा अल्टरनेटिंग करेंट कम्प्लीट होता है, हम न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।